इरिकवरेबल डेट्स और बैड डेट्स। तो क्या होते हैं इरिकवरेबल डेट्स? वो पैसा जो वापस ना मिले, किन से ना मिले, कस्टमर से। मतलब ये क्या लेंगे, मतलब वो रिसीवेबल्स जो रिसीव वो अमाउंट जो कस्टमर से रिकवर ना हो सके, उन्हें आप कहते हैं बैड डेट्स। अच्छा, इसकी रीजन क्या हो सकती है, पैसे ना मिलने की? कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, भाग गया, मर गया। ठीक है, बोल रहे नहीं दूंगा। ओके, अब इसकी नेचर क्या होगी? एक्सपेंस होती है तो लिख लेते हैं। तो इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट देंगे हम उसको, देंगे कस्टमर को हमने गुड्स सेल की, क्रेडिट पर कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, पैसे आपके डूब गए, बैड डेट्स। तो अब एंट्री क्या होगी, इरिकवरेबल डेट्स तो डेबिट हो जाएंगे और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्रेडिट के टाइम पर हम रिसीवेबल अकाउंट क्लोज कर देते हैं ना, ये जब क्रेडिट सेल करते हैं उस वक्त क्या एंट्री होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होते हैं। क्रेडिट्स के टाइम पर रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करके कस्टमर अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, राइट ऑफ कर, और जो पैसे डूब गए उसे हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर। तो ये इसकी डबल एंट्री, इरिकवरेबल टैक्स डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और ये एंट्री कब बनती है, जब कंफर्म हो जाता है कि पैसे डूब गए आपके, नहीं आए। ये कॉपी कर लें, ये तो एंट्री की राइट ऑफ की ना। अच्छा, अब ये अब बाद में ऐसा होता है कि कस्टमर ने अपने गुड सेल की, कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिए, कुछ टाइम के बाद फिर से उसका बिजनेस सेट हो गया और वो पैसे आपको मिल गए, आपने निकलवा लिया, वो खुद देने आ गया, तो फिर उसकी क्या एंट्री होगी, बैड डेट्स होने के बाद। उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे, हाँ, रिकवरी ऑफ रिकवरेबल टैक्स। अब इसकी एंट्री क्या होगी, कैश क्रेडिट क्या होगा, पैसे मिल रहे हैं, कैश डेबिट होगा और इरिकवरेबल टैक्स क्रेडिट होगा ना। कैश इंक्रीज हुआ डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएंगे क्रेडिट, ये रिकवरी की एंट्री हो गई। ये कस्टमर को आपने गुड्स सेल की, बैड डेट्स हो गए, बाद में आपने रिकवर कर, तो ये रिकवरी की एंट्री हो गई। कैश डेबिट और इरिकवरेबल डेट्स नहीं, रिसीवेबल नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएगा, जो हमने पहले वाली एंट्री बनाई है। एंट्री कब बनेगी, कंफर्म हो जाएगा कि पैसे आपके रिकवरेबल हो गए, डूब गए, नहीं मिल रहा आपको, ये तो उस टाइम पर बनेगी जब कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, देखिए, जब भी हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, जब भी क्रेडिट पर सेल करेंगे तो उसमें एक डाउट तो रहेगा ही ना कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता कब किसकी डेथ हो जाए, कौन बैंकरप्ट हो जाए, कौन डिसअपियर हो जाए। तो जब भी क्रेडिट पर सेल करते हैं तो कुछ डाउट होता है उसमें ना, कि पैसे मिलें या ना मिले। तब ये बताएं कि अगर हम फ्यूचर में कोई लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको फॉरन रिकॉर्ड कर लें या वेट करें, फॉरन रिकॉर्ड कर लेते हैं, और गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करते हैं कि जब तक वो रियलाइज ना हो। अच्छा, क्यों, इसका कौन सा रूल है ये, बताते हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इसे हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, हाँ, तो दो चीजें, इन कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी अ कॉशियस अप्रोच शुड बी टेकन सो दैट गेन्स एंड एसेट आर नॉट ओवर स्टेट, गेन और एसेट ओवर स्टेट ना हो, एंड लॉसेस एंड लायबिलिटीज आर नॉट अंडर स्टेटेड नहीं हो। अच्छा, इससे होता है क्या, अगर हमारे एसेट्स और गेन्स को हम ओवर स्टेट करके दिखाएं इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस पोजीशन अच्छी नजर आएगी, और आगे चलकर अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। या जैसे एक बिजनेस है, फर्ज करें कि आपने एसेट्स और गेन्स को ओवर स्टेट करके दिखाया हुआ है और उसकी बेस पे आपने उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी और बाद में ऐसा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाए। और इसी तरह अगर आप लाइबिलिटीज और लॉसेस को अंडर स्टेट कर दें
उससे भी आपकी परफॉर्मेंस पोजीशन अच्छी नजर आई कि लॉस कम है, लाइबिलिटीज कम है, तो एक अच्छा बिजनेस है। तो इस चीज का हमें ख्याल रखना होता है कि आपके गेन और एसेट ओवर स्टेट ना हो और लाइबिलिटीज और लॉसेस अंडर स्टेट ना हो। वहां भी पढ़ा था, हाँ ये हमने वहां भी पढ़ा था स्टॉक वैल्यूएशन में ना, तो जो हम लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं तो रीजन यही होती है। अब इसलिए हम क्या करेंगे कि एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर लेंगे, वेयर एज एंटिसिपेटेड गेन्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल दे आर रियलाइज्ड। तो अब इसके यहाँ एप्लीकेशन क्या है इस रूल की, अब यहाँ कैसे अप्लाई होगा, इसकी क्या एप्लीकेशन है, ये एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। हमने क्रेडिट सेल्स की टोटल 5 लाख की हमने टोटल सेल्स की, इसमें से कलेक्शन हमने कर ली 4,50,000 की और ईयर एंड पर रिसीवेबल बच गए 50,000। अच्छा ये 50,000 कब रिसीव होंगे, नेक्स्ट ईयर में। क्या ये नेक्स्ट ईयर में 50,000 पूरे मिल जाएंगे? मिलने तो चाहिए लेकिन हो भी सकता है, पक्का नहीं है ना। हो सकता है इसमें से 45,000 रिसीव हो जाए, 5,000 रिसीव ना हो। हो सकता है 40,000 रिसीव हो, 10,000 रिसीव ना हो। हो सकता है 50,000 पूरे मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक डाउट आ गया कि मिल भी सकते हैं पैसे और नहीं भी, कुछ डूब भी सकता है। तो प्रूडेंस क्या कहता है, जहां पे आप एक लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको फॉरन रिकॉर्ड करें। तो हम क्या करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए एक परसेंटेज सेट कर लेते हैं, जो भी हमारे ईयर एंड रिसीवेबल होते हैं उसमें से कितने परसेंट रिकवर नहीं होते, नहीं होते, ना होने की एक परसेंटेज सेट कर लेंगे। तो हमने अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए एक परसेंटेज सेट की कि 2%, 5% जो है वो डाउटफुल होते हैं। और तब हम क्या करेंगे, 50,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, कितना बनेगा 2,500। और अब हम 2,500 से पेडेड एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री बनेगी जो इररिकवरेबल डेट्स डेबिट हो जाएंगे। अच्छा क्रेडिट क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करने का मतलब तो ये ना, आपने कस्टमर अकाउंट क्लोज कर दिया। तो सेल्स के टाइम पर हम लिखते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट करेंगे तो इट मीन्स कस्टमर अकाउंट क्लोज हो गया। तो देखिए पर्स में ये 50,000 का बैलेंस है और टोटल हमारे कस्टमर है 10, जिनसे 50,000 रिसीव कर रहे हैं। अब इन 10 कस्टमर्स में से कौन पे करेगा नेक्स्ट ईयर, कौन पे नहीं करेगा बता सकते हैं? किसकी डेथ होगी, कौन बैंकरप्ट होगा, कौन डिसअपीयर होगा, नहीं बता सकते। तो किसका अकाउंट क्लोज करें, किसी का भी अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। इससे फिर हम रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करते बल्कि इसकी जगह एक नया अकाउंट बनाते हैं और इसे हम नाम देंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का। और ये जो एंट्री बनेगी ये सिर्फ और सिर्फ ईयर एंड पे बने, सिर्फ ईयर एंड पे बनेगी। क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, रिसीवेबल का परसेंटेज लगाएंगे, का अमाउंट एस्टिमेट करेंगे और ये रिकॉर्ड करेंगे, और ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ ईयर एंड पे बने। ठीक है, अच्छा। तो अब इस टॉपिक में 3 ही एंट्रीज है हमारी, टोटल राइट ऑफ की हो गई, रिकवरी की एंट्री हो गई और ये डाउटफुल डेट्स या अलाउंस फॉर रिसीवेबल की हो गई। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, क्वेश्चंस में दो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक आपको ये बताना होता है कि जब ईयर एंड पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उसमें बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, ठीक है, बैडेड एक्सपेंस निकालने। और सेकेंड ये बताना होता है कि जब ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें रिसीवेबल का क्या अमाउंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो दो वैल्यूज फाइंड करें। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लें। टोटल रिसीवेबल्स हैं 45,000 के। अच्छा ये लिखा 790 ओड बाय जेम्स स्कॉट हु हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड 1240 ड्यू फ्रॉम पीटर हु वाज टोटली डिसअपीयर्ड। तो ये हमारे बैडेट्स हो जाएंगे।
इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट ई अकाउंट्स बनाएंगे, कम बनाते हैं रिसीवेबल अकाउंट, जब रिसीवेबल का बैलेंस कितना है 45,000 डेबिट हो जाएगा। इसके बाद अब ये दो अमाउंट्स हैं 790 और 1240, दोनों को ऐड कर लें, टोटल बताएं क्या बन रहा है। टोटल से एक एंट्री पास कर देंगे ना, 790 प्लस 2030, तो 2030 की एंट्री क्या होगी, रिकवरेबल डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हम एक अकाउंट और बनाएंगे रिकवरेबल डेट्स का, और ये डेबिट हो जाएंगे 2030 से, और जो अकाउंट रिसीवेबल बना हुआ ये क्रेडिट हो जाएगा 2030। ये टोटल करके हमने बैड डेट्स रिकॉर्ड कर। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया, अकाउंट क्लोज करते हैं। अब रिसीवेबल का बैलेंस आ जाएगा आपके पास 42,970, जिसके बाद ये इरिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे, इसका बैलेंस कितना आएगा 2030। अच्छा, क्या ये कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होगा? नहीं, क्यों? बैड डेट्स इरिकवरेबल डेट्स वाला, इसका बैलेंस कितना आएगा 2030 आएगा ना इधर, इसको कैरी डाउन ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर, क्यों? क्लोज हो गया, ठीक है। हाँ, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब हम ईयर एंड पर अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो एक्सपेंस अकाउंट्स और रेवेन्यू अकाउंट्स कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं होते, बल्कि उसी साल क्लोज हो जाता है, जो भी बैलेंस आता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका बैलेंस आएगा 2030, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और ये अकाउंट यहीं पर क्लोज हो, बाकी रिसीवेबल हमारे कैरी डाउन हो गए, नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन हो जाएगा। तो एक्सपेंस और इनकम अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, बाकी एसेट लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होते रहे। हाँ, क्लोज हो जाते हैं। जैसे आपके सेल्स हैं, सेल्स अकाउंट क्लोज करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा, कैरी डाउन नहीं होगा तरह से। डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन इनकम है, और जितने भी एक्सपेंस अकाउंट है, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये सब क्लोज। अब हम ईयर एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें बैटेड एक्सपेंस चार्ज हो जाएंगे 2030, और बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें रिसीवेबल्स रिकॉर्ड होंगे 42,970। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू में मैं 3 ईयर्स, ये 3 पैराग्राफ्स दिए हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये 3 पैराग्राफ 3 ईयर्स का डेटा है। पहला है आपका 2001, 2002, 2003। तो इसे हम ईयर वाइज सॉल्व करेंगे। तो पहले आपसे फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लें। हम देखो, ऑन 31 दिसंबर 2001 जैक विलियम हैड रिसीवेबल ऑफ 10,000। सो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस जैक एस्टिमेटेड दैट 3% ऑफ दीज रिसीवेबल्स वर नेवर टू पे देयर debts, and therefore ways to make an allowance equal to 3% of these receivable. यहाँ पे बात हो रही है doubtful debts की। तब दो टी अकाउंट बनाते हैं, पहले बना लें रिसीवेबल का, टोटल कितने 10,000, ठीक है, टोटल रिसीवेबल्स हैं 10,000, वो क्या करें, इसमें से डाउटफुल कितने हैं 3%। तो ये 10,000 का 3% कैलकुलेट करते हैं, आ जाएगा 300। ये हो गया हमारे एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स। अब इसकी डबल एंट्री क्या होगी, इसकी डबल एंट्री 300 की, हाँ, इनरिकवरेबल डेट्स डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। अभी एंट्री पोस्ट करते हैं लेजर में, तो यहां पर एंट्री हो गई इररिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट 300।
यही मैंने भी बताया था एंड पे बनती है। डाउट है शायद ना, तभी इसको डाउटफुल कह रहे हैं। ठीक है, ये 300 हमने पोस्ट कर दिए, अब अकाउंट क्लोज करते हैं। अच्छा, रिसीवेबल का टोटल बैलेंस तो वही रहेगा, तो मैंने उसको फिलहाल एज इट इज छोड़ दिया है। अब ये इरिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करते हैं, तो ये क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसके बाद अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, उसका बैलेंस आएगा 300, कैरी डाउन होके नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन। सही, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कम। अच्छा, अब हम ईयर एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उसमें बैडेड एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे? 300। और जब ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिसीवेबल कितने रिकॉर्ड करेंगे? हाँ देखिए, हम रिसीवेबल 10,000 है, इसमें से डाउटफुल कितने हैं? 300 माइनस कर दें, कुछ इस तरह से जो आपके प्रेजेंटेशन बनेगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम बैडेड एक्सपेंस चार्ज करेंगे 300 से, बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स रिकॉर्ड होंगे 10,000, इसमें से माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल 300, तो आपके बैलेंस आ जाएगा 9,700 नेट रिसीवेबल। यानी कि जब हम कंप्लीट बैलेंस शीट बनाएंगे, करंट एसेट्स में नेट रिसीवेबल्स ऐड 9,700 ऐड करें। ठीक, अच्छा यही दो मेन रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन की, बैडेड एक्सपेंस कैलकुलेट करना और नेट रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने की। सही, अब बैक कर देता हूँ, कॉपी कर लें। अच्छा देखिए, अब ये क्वेश्चन है कंटिन्यूएशन में ना, 2001, 2002, 2003। अब इसमें जो 2001 के क्लोजिंग बैलेंस हैं वो 2002 के ओपनिंग बैलेंस बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है यहाँ? 10,000, तो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। इसी तरह अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस है 300, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। तो पहले तो ये नेक्स्ट ईयर में हम ओपनिंग बैलेंसेस कॉपी कर रहे हैं। रिसीवेबल का अच्छा ओपनिंग 10,000 होगा, 9,700, 10,000 ही होगा, तो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं माइनस करके। ये अकाउंट में तो बैलेंस वही रहेगा, ये तो बैलेंस शीट में हमने माइनस किया है 9,700, ये अकाउंट में देखिए बैलेंसेस क्या है। रिसीवेबल 10,000 है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल 300, यही रहेंगे रिसीवेबल्स और ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल। 2002 की ट्रांजेक्शन्स पोस्ट करते हैं, जिसमें क्या है, क्रेडिट सेल्स है 1 लाख, तो ये रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएंगे 1 लाख से। इसके बाद कलेक्शन हमने की 94,000 की कलेक्शन, तो रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे 94,000 से। इसके बाद यहाँ डाउटफुल डेट्स कितने हैं? 3% है ऑफ क्लोजिंग रिसीवेबल। अब रिसीवेबल अकाउंट क्लोज करते हैं, ये टोटल आ गया, इसमें से ये बैलेंस आ गया 16,000। अब 16,000 में से डाउटफुल कितने? 300। ठीक, अब इसका 3% कैलकुलेट करते हैं, 16,000 का 300% आएगा 480। अच्छा, अब हम जो एंट्री बनाएंगे वो 480 से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अब 480 से एंट्री नहीं बनेगी, पहले हमने वही 300 से बनाई थी, अब 400 से नहीं रिकॉर्ड। अच्छा, उसके रीजन क्या, वो पहला साल था, ये दूसरा साल। अच्छा, इसमें क्या होगा, अब सेकेंड ईयर में देखिए, ये जो फोर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपके पास 16,000, 16,000 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 10,000, और इस 10,000 पर हम लास्ट ईयर 3% बैड डेट चार्ज कर चुके हैं, तो अगर इस ईयर पूरे 16,000 पे चार्ज करेंगे तो वो 10,000 डबल चार्ज हो जाएगा। तो अगर ठीक, और दूसरा ये, अगर ये ओपनिंग बैलेंस ना होता तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आता? 6,000, तो 6,000 का 3% चार्ज करते कितना? 180। तो 6,000 का 3% चार्ज होना चाहिए या 16,000 का? 6,000। ठीक है, क्योंकि देखिए 10,000 पे हम लास्ट ईयर 3% डबल
डाउटफुल डेट चार्ज कर चुके हैं, तो इस ईयर अगर पूरे 16,000 पे चार्ज करेंगे तो ये डबल चार्ज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 16,000 में से 10,000 माइनस करें, इसलिए दो कैलकुलेशन हो सकती हैं, दोनों बता दें। रिसीवेबल्स का बैलेंस कितना है, 16,000 है, तो 16 में से हम रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 10,000 माइनस करेंगे तो रिसीवेबल रह जाएंगे 6,000। जब 6,000 का 3% कैलकुलेट करें ये आएगा 180। अब इस ईयर 180 से हमें मजीद एडेड चार्ज करने हैं। अच्छा, ये 180 हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और वही कैलकुलेशन हम यूज करेंगे, लेकिन 16,000 का 3% कैलकुलेट करें 480 आएगा, 10,000 का 3% 300, इसमें अगर ये 300 माइनस कर दें तो वही 180 आ जाएगा। अब हम जो 180 से मजीद बैड डेट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए जो 300 है, ये जो 10,000 का 3% 300 था, ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है ना। हम ये भी कर सकते हैं कि 16,000 का 3% कैलकुलेट करें 480, 480 में से अलाउंस फॉर रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 300 जो कि 10% का 10,000 का 3% है माइनस कर दें तो भी आंसर वही आएगा ना। तो कैलकुलेशन ये यूज होगा, पहले हम लिखेंगे रिसीवेबल्स हैं 16,000, इसका 3% 480, इसमें से हम लेस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस 300। अब डिफरेंस कितना आ जाएगा, 180 का। तो हम 180 से मजीद बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे टर्म यूज किया मैंने इंक्रीज इन अलाउंस फॉर रिसीवेबल। अच्छा, इंक्रीज क्यों, हाँ क्योंकि देखिए लास्ट ईयर हमने एस्टिमेट किए थे 300 डाउटफुल डेट्स, इस ईयर का एस्टिमेट है 480, तो 180 का इंक्रीज आ रहा है, तो हम 180 से मजीद बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री क्या होगी, रिकवरेबल डेट्स डेबिट अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 180। अभी एंट्री हम पोस्ट कर देंगे, लेजर में पोस्ट करते हैं, इररिकवरेबल डेट्स डेबिट होंगे 180 और अलाउंस फॉर रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 180। अकाउंट क्लोज करते हैं, ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल का टोटल आ गया 480 और ये इसका कैरेट डाउन 480, ये नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन हो जाएगा। इसके बाद ये इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे और ये क्लोज हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट अकाउंट। अच्छा, अब हम ईयर एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, तो उसमें बैड इररिकवरेबल डेट्स कितने चार्ज होंगे 180 और बैलेंस शीट में रिसीवेबल कितने रिकॉर्ड होंगे 16,000 जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है, और उसमें से अब हम माइनस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 480। ये कुछ इस तरह से इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चार्ज हो जाएंगे 180 और बैलेंस शीट में हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल 16,000 टोटल, और इसमें से लेस करेंगे अलाउंस फॉर रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 480, ये हमारे पास आ जाएंगे नेट रिसीवेबल्स 15,500। क्लियर।